अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पुर्तगाल के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं और काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि पुर्तगाल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कैसा मुल्क है। दोस्तों यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पुर्तगाल एक लिहाज से बहुत ज़्यादा आइडियल है और एक लिहाज से बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। दोनों रीज़न जो हैं वो एक दूसरे के उल्ट हैं। आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों आइडियल है और क्यों आइडियल नहीं है। अगर आप पुर्तगाल की बात करें कि एज ए इलीगल इमिग्रेंट आप जल्दी जिस मुल्क में, वो यूरोपीय यूनियन में भी हो, वो शेंजन मुल्क भी हो, और आप वहाँ पे इजीली लीगल भी हो सकें, इजीली नेशनलिटी भी ले सकें, तो वन ऑफ ओनली इज़ पुर्तगाल। शेंजन में वाहद मुल्क है जो बहुत जल्दी आपको लीगल होने की चांसेस देता है, बहुत जल्दी आप वहाँ पर नेशनलिटी ले सकते हैं। आप अगर कंपेयर करें स्पेन और इटली को तो पुर्तगाल सिर्फ 5 साल में आपको नेशनलिटी के राइट देता है, कंपेयर टू स्पेन 10 ईयर है और इटली के भी 10 साल हैं। तो इस तरह से आइडियल मुल्क है पुर्तगाल के, वहाँ पे आप बहुत इजीली लीगल हो जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे नेशनलिटी भी इजीली ले लेते हैं। अब अगर बात करें दूसरी तरफ के किस लिए आइडियल नहीं है, वो है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकल कंडीशन पुर्तगाल की खास अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो वहाँ पे होमलेस जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिकली क्राइसिस आए हैं। जॉब्स कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, इमिग्रेंट्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, फाइनेंशियली तौर पे पहले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस हैं। वहाँ पे जॉब्स आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर मिलती है तो बहुत कम तनख्वाह में मिलती है, जिसमें आपका बामुश्किल गुजर बसर होता है। तो ओवरऑल क्राइसिस जो है वो इस वक्त पुर्तगाल में अरूज पे हैं। इस लिहाज से मैं पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा आइडियल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क नहीं कहूँगा इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। हाँ, लेकिन लीगल होने के लिए और वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, तो वहाँ पे उस लिहाज से जो है वो नेशनलिटी लेने के लिए आने वाले वक्त में थोड़े अरसे में वो आइडियल मुल्क है पुर्तगाल। उस जैसा शेंजन स्टेट में और कोई मुल्क नहीं है। इसमें आप सरकमस्टेंसेस दोनों तरह के आपके सामने हैं, उस तरह आप डिसीजन कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।